भारत में नई संसदीय समिति की प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? तो भारत में नई संसदीय समिति की प्रणाली की शुरुआत 1991 में हुआ था। संसदीय समिति की प्रणाली का किसका शुरुआत? समिति प्रणाली का शुरुआत हुआ था, ठीक है, 1991 में। 1991 में किसकी शुरुआत हुई थी? तो नई प्रकार की संसदीय जो समिति होती है, समिति प्रणाली, तो उसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। इसको मैं आगे डिटेल्स में बताता हूँ। देखिए, संसदीय लोकतंत्र में संसद के मुख्यतः दो कार्य होते थे, पहला कानून बनाना, ठीक है, और दूसरा क्या था, कार्यात्मक शाखा का निरीक्षण करना था, ठीक है। क्या करना था? पहला कानून बनाना था, दूसरा कार्यात्मक जो वो लोग काम करते थे उसका निरीक्षण करना था, ठीक है, कि सरकार कितना हद तक सही कर रहा है, क्या गलत कर रहा है, इसलिए इसका निरीक्षण करना होता था काम का, ठीक है। दूसरा कानून बनाना था, ठीक है। संसद के इन्हीं कार्यों को प्रभावी ढंग से संपन्न कराने के लिए संसदीय समिति को एक माध्यम के तौर पर प्रयोग किया गया। किसके तौर पर? एक मीडियन के तौर पर यूज किया गया, ठीक है। सैद्धांतिक तौर पर धारणा यह है कि संसदीय जो समिति होती है वह एक अस्थाई होती और दूसरा तदर्थ होता है, ठीक है, अस्थाई और एक एडहॉक होता है, जिसे तदर्थ कहते हैं हिंदी में, ठीक है। अस्थाई समिति में अलग अलग दलों के संसदों के छोटे छोटे समूह होते हैं, ठीक है, यानी उसमें लोकसभा के सदस्य होते हैं और राज्यसभा के भी सदस्य हो सकते हैं, ठीक है। किसके सदस्य हो सकते हैं? लोकसभा के भी हो सकते हैं और सभा राज्यसभा के भी हो सकते हैं, ठीक है, राज्यसभा के भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है, छोटे छोटे समूह में उनकी व्यक्तिगत रुचि या विशेषता के आधार पर बांटा जाता था, ताकि वे किसी विशिष्ट विषय पर विचार विमर्श कर सकें, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? 1991। नेक्स्ट है आपका, भारत में संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर किया गया था? तो संसदीय जो समिति जो लाया गया था, ठीक है, जो फेडरल कमेटी सिस्टम लाया गया था, वो किसकी सिफारिश पर लाया गया था? तो किसकी सिफारिश पर लाया गया था? संसद की नियम समिति था संसद का दोस्तों, वो रिकमेंड किया था, तब जा करके संसदीय समिति जो प्रणाली थी वो लाया गया, ठीक है। नियम समिति जो था, संसद की नियम समिति के सिफारिश पर संसदीय समिति प्रणाली बना, ठीक है, कि हाँ कुछ जांच करने वाला होना चाहिए, तब इसके लिए क्या होना चाहिए, तो संसदीय समिति काहे बना बना दिया जाए, तब इन लोगों ने विचार किया कि संसदीय समिति प्रणाली बनाया जाए, ठीक है। और ये संसद समिति जो प्रणाली बना, इसका सिफारिश किसने कहा था? तो संसद की नियम समिति ने किया था, ठीक है। देखता हूँ दोस्तों, अब संसद की नियम समिति ने किया था, देखिए इसको व्याख्या है, नियम समिति सदन में कार्यविधि और कार्यवाही के संचालन में संबंधित मामलों पर विचार करती है, ठीक है, और नियमों में संशोधन करती है या संयोजन करती है, यानी अमेंडमेंट करेगा उसमें, ठीक है, सिफारिश करती है। लोकसभा समिति में स्पीकर जो समिति के पदेन अध्यक्ष होते हैं, लोकसभा समिति में स्पीकर किसके समिति के अध्यक्ष होते हैं? पदेन अध्यक्ष होते हैं, ठीक है, यानी समिति के पदेन अध्यक्ष होते हैं, उसमें 15 सदस्य होते हैं। राज्यसभा समिति में राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं, ठीक है, राज्यसभा के अध्यक्ष समिति के पदेन अध्यक्ष होते हैं। राज्यसभा का जो अध्यक्ष होगा उसका पदेन अध्यक्ष हो गए, इसके सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? 16 है, राज्यसभा का 16 होगा और लोकसभा का जो पदेन सदस्य होगा लोकसभा समिति का 15 सदस्य होगा, ठीक है। राज्यसभा के अध्यक्ष समिति का कितना होगा? 16 सदस्य होगा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है, संसदीय समिति प्रणाली के तहत 12 अप्रैल 1993 को कितने समितियों ने कार्य शुरू कर दिया था? तो कितने समिति ने किया था? 17 समिति ने। संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत पता है, नियम समिति ने शुरुआत किया था, वो समिति नियम समिति ने 17 ऐसा समिति बनाया था जो संसद का जो कार्य प्रणाली होगा वो देखेगा, ठीक है। तो उसमें वो कब बना था? 17 को संसदीय समिति 12 अप्रैल 1993 को बना था। कब बना था? 12 अप्रैल 1993 को बना था। क्या बना था? संसदीय नियम समिति प्रणाली, ठीक है। कब बना था? 12 अप्रैल 1993। अगर पूछेगा कि संसदीय नियम समिति संसदीय समिति प्रणाली जो बना
वो कब बना? तो 1993 का ही है, 12 अप्रैल 1993 को, ठीक है। और इसमें आप ये भी देखिएगा कि 12 अप्रैल 1993 को 17 समिति बना था। कितना समिति बना था? 17 समिति बना था। कब बना था? 12 अप्रैल 1993 को, ठीक है। जुलाई 2004 में नियम में संशोधन किया गया ताकि ऐसी ही 7 समिति और समितियां गठित की जा सके। इस प्रकार इन समितियों की संख्या अब कितना हो गई है? 24 हो गई है। पहले 1993 में, जो 12 अप्रैल 1993 में पूछेगा संसदीय समिति की प्रणाली का कब शुरुआत हुआ था, तो 12 अप्रैल 1993 को कितना बना था? 17। जो अभी प्रेजेंट में कितना है? 24 है, ठीक है। नेक्स्ट है, हाँ दोस्तों, इसको बीच बीच में आप व्हाट्सएप पर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, व्हाट्सएप पर शेयर कर दीजिएगा। ओके, व्हाट्सएप पर शेयर करिएगा, लोगों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर गलत लगे तो कमेंट बॉक्स में रिपोर्ट एरर का वहाँ पर लिखिएगा। ओके, नेक्स्ट है, संसद के कितने प्रकार की समितियाँ होती है? तो संसद की दो प्रकार की समितियाँ होती है, एक अस्थायी समिति होता है, एक तदर्थ समिति। तदर्थ समिति को एडहॉक भी कहते हैं, यानी टेम्प्रोरी के तौर पर रखा जाता है, यानी दोनों आंसर होगा। संसद कितने प्रकार की समितियाँ होती हैं? तो दो प्रकार के, एक अस्थायी समिति होता है, एक तदर्थ समिति होता है, ठीक है। अस्थायी समिति जैसे कि आपका लोक लेखा समिति हो गया, ठीक है, लोक उपक्रम समिति हो गया, इसमें 22 सदस्य होते हैं, ठीक है। लोक लेखा समिति में भी 22 सदस्य होते हैं, ठीक है। प्राकलन समिति होती है, ओके, जिसे इस्टीमेट समिति भी कहा जाता है, उसमें 30 समिति होती है, उसमें 45 सदस्य भी हो सकता है, अगर 30 हुआ तो सिर्फ लोकसभा के होंगे, ठीक है। और इसका आप देखिएगा, संसदीय समिति में दो प्रकार की होती है, आपको बता चुके हैं, दो प्रकार की होती है, एक अस्थाई होती है, एक तदर्थ होती है, ठीक है। तदर्थ जो एडहॉक कमेटी कहलाती है, अस्थाई समिति प्रतिवर्ष समय समय पर निर्वाचित होती है और नियुक्त भी की जाती है। इसका कार्य इस कमोबेश निरंतर चलते रहता है। तदर्थ समितियों की नियुक्ति जरूरत पड़ने पर की जाती है, ठीक है। तदर्थ समिति कब नियुक्त की जाती है? जरूरत पड़ने पर, यानी एडहॉक कमेटी कब बनेगा? जब जरूरत पड़ेगा तब, ओके। तथा अपना काम पूरा कर लेने और अपनी रिपोर्ट पेश कर लेने के बाद वे समाप्त हो जाती है। वे अपना रिपोर्ट देगा, ठीक है, और वो पेश कर देने के बाद वो क्या होती है? समाप्त हो जाती है, ओके। नेक्स्ट है आपका, कौन अस्थाई समिति है दोस्तों? तो कौन अस्थाई समिति है? इनमें से सभी है दोस्तों, प्राकलन समिति भी है, लोक लेखा समिति भी है, अनियम समिति भी है, ओके, एस्टिमेट समिति भी है, पब्लिक अकाउंट कमिटी भी है, और नियम कमिटी भी है, जिसे लॉ कमिटी कहते हैं, ठीक है। तो कौन कौन अस्थाई समिति बोल रहे हैं? तो अस्थाई समिति में कौन कौन हो जाएगा आपका? प्राकलन समिति हो जाएगा, लोक लेखा समिति हो जाएगा, नियम समिति हो जाएगा। तो इसका आंसर कौन होगा? उपयुक्त सभी दोस्तों, ठीक है। अस्थाई समिति लोकसभा की अस्थाई समितियां होती है, ठीक है, लोकसभा की अस्थाई समिति होती है। इसमें 3 समितियां क्या है? फाइनेंशियल से संबंधित है। 3 समितियां क्या है? फाइनेंशियल संबंधित है, यानी लोक लेखा समिति, प्राकलन समिति और सरकारी उपक्रम समिति, ओके। लोक लेखा समिति पहला, दूसरा प्राकलन समिति, तीसरा सरकारी उपक्रम समिति, ये तीनों क्या है? फाइनेंशियल संबंधी रिपोर्ट देता है। ये सरकारी खर्च का निष्पादन पर लगातार नज़र रखी रहती है, जिसे हम वॉच डॉग कहते हैं, ठीक है। लोक लेखा समिति तथा सरकारी उपक्रम समिति में राज्यसभा के सदस्य होते हैं, ठीक है। लोक लेखा समिति में और सरकारी उपक्रम समिति में राज्यसभा के भी सदस्य होते हैं, लेकिन प्राकलन समिति में केवल केवल लोकसभा के सदस्य हो गए, केवल लोकसभा के सदस्य होंगे, ठीक है। प्राकलन समिति में केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं, उसमें राज्यसभा के सदस्य नहीं होते, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, ओके। नेक्स्ट है आपका, कौन तदर्थ समितियां होती है? तो आपका तदर्थ समिति बोल रहा है, यानी एडहॉक कमेटी कौन है? प्रवर समिति है। एडहॉक कमेटी कौन होता है? प्रवर समिति होता है। कहेगा एडहॉक कमिटी कौन होता है, एग्जाम में पूछता है कभी कभी, ठीक है। और ये प्रवर समिति आपको बता देते हैं कि जरूरत पड़ने पर ही बनता है एडहॉक कमिटी, ठीक है, जो जिसको प्रवर समिति भी कहते हैं वो बनाया जाता है, ठीक है।
प्रवर समिति में आप देखिएगा किसमें, प्रवर समिति में, कि किसी विषय की छानबीन करते समय विचार विमर्श के बाद निश्चित मत, देखिए विचार विमर्श के बाद एक निश्चित मत प्रकट करता है, ठीक है, निश्चित जो अपना बात होता है कि हाँ ये चीज़ होना चाहिए था इस प्रकार, तो निश्चित मत प्रकट करने के लिए बनाई जाने वाली समितियाँ जिसमें से विषय के चुने हुए विशेषज्ञ रखे जाते हैं। तदर्थ समिति किसी विशेष प्रायोजना के लिए नियुक्त की जाती है और जब भी अपना काम समाप्त कर लेती है तथा अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर देती है तथा उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, अपना रिपोर्ट दे देने के बाद उनका अस्तित्व क्या होता है, समाप्त हो जाता है, ठीक है, अपना रिपोर्ट जब दे देते हैं तब उनका अस्तित्व क्या होता है, समाप्त हो जाता है। प्रमुख तदर्थ समितियाँ विधेयक संबंधी प्रवर तथा संयुक्त समितियाँ हैं, ठीक है, बिल संबंधी जो है वो देता है। नेक्स्ट है, किस समिति को अस्थाई या मितव्ययता समिति भी कहा जाता है, तो प्राकलन समिति को क्या कहा जाता है, मितव्ययता समिति भी कहा जाता है। अस्थाई मितव्ययता समिति को क्या कहा जाता है, मितव्ययता समिति भी कहा जाता है। कौन सा समिति है जिसे अस्थाई मितव्ययता समिति कहा जाता है, अस्थाई मितव्ययता का मतलब होता है अपने अनुसार रिपोर्ट देना, इसमें मात्र लोकसभा का सदस्य होता है, याद रखिएगा दोस्तों, इसमें कितना सदस्य होता है, सिर्फ लोकसभा के सदस्य होता है, राज्यसभा के सदस्य एकदम नहीं होता, ठीक है। और इसे मितव्ययता समिति भी कहा जाता है, ओके, इसका देखता हूँ डिस्क्रिप्शन क्या दिया हुआ है। प्राकलन समिति संसद के माध्यम से सरकार द्वारा प्राप्त किए गए धन के व्ययों के अनुमान की जांच पड़ताल करता है, यानी खर्च जो एक्सपेंडिचर होता है उसका क्या करता है, जांच पड़ताल करेगा, जो कितना खर्च हुआ है, ठीक है, उसकी जांच करेगा। यह अस्थाई मितव्ययता समिति के रूप में कार्य करती है और इसके आलोचना या सुझाव सरकारी फिजूल खर्ची पर रोक लगाना होता है, इसकी आलोचना कहिए या सुझाव सरकारी फिजूल खर्ची पर, सरकारी जो फिजूल खर्च होता है उस पर रोक लगाता है कौन, प्राकलन समिति। प्राकलन समिति क्या करता है, सरकारी फिजूल खर्ची पर रोक लगाता है, ठीक है, अनुमान की जांच लगाता है। किस समिति की अस्थाई मितव्ययता समिति भी कहा जाता है, तो पूछेगा आपसे एग्जाम में तो कहिएगा प्राकलन समिति, और इसमें याद रखिएगा लोकसभा के मात्र सदस्य होते हैं। नेक्स्ट है, प्राकलन समिति में कितने सदस्य होते हैं, तो प्राकलन समिति बोले जिसे अस्थाई मितव्ययता समिति भी कहा जाता है, इसकी आलोचना या सुझाव जो होता है सरकारी की फिजूल खर्ची पर रोक लगाना होता है, इसमें 30 सदस्य होते हैं। इसमें कितने सदस्य होते हैं, प्राकलन समिति में 30 सदस्य होते हैं, केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं, राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। इसके अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा अध्यक्ष इन्हीं सदस्यों में से करता है, इस जो लोग प्राकलन समिति का जो अध्यक्ष होता है वो लोकसभा अध्यक्ष चुनता है, कौन चुनता है, जो समितियां का जो अध्यक्ष होता है वो सिर्फ लोकसभा अध्यक्ष चुनेगा, ठीक है, राज्यसभा के अध्यक्ष नहीं है बल्कि लोकसभा के अध्यक्ष ही चुनेगा, ध्यान रखिएगा। किसके अध्यक्ष चुनता है, लोकसभा के अध्यक्ष चुनता है अध्यक्ष, किसके लिए, तो समितियां के लिए जो अध्यक्ष होता है उसका चुनाव कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष चुनता है, जो सत्तारूढ़ दल का होता है। इसका कार्यकाल कितना वर्ष का होता है, एक वर्ष का होता है। मंत्री इस समिति के सदस्य नहीं होते, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों कि मंत्री प्राकलन समिति का या लोक लेखा समिति का, सरकारी उपक्रम समिति का कोई मंत्री नहीं होता, इतना ध्यान रखिए, ये तीनों में बोल रहा हूँ, लोक लेखा समिति में, प्राकलन समिति में, ठीक है, सरकारी उपक्रम समिति में एक भी मंत्री नहीं होता है, मंत्री नहीं होगा, ठीक है। समिति का अध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा मनोनीत होते हैं, ये समिति का जो अध्यक्ष होता है, यानी कौन चुनेगा, लोकसभा के अध्यक्ष ही चुनता है। नेक्स्ट है आपका, 30 सदस्यीय समिति संसद के किस सदन की समितियां होती है, तो 30 सदस्यीय जो सदस्य होती है वो कहाँ की होती है, मात्र लोकसभा की होती है दोस्तों, किसकी होती है, मात्र लोकसभा की, संसदीय प्राकलन समिति में, जिसे एस्टिमेट कमेटी भी कहा जाता है, ठीक है, संसदीय जो फेडरल एस्टिमेट कमेटी में संसद के कितने किस सदन की समिति कमेटी के सदस्य होते हैं, तो लोकसभा के। 30 सदस्यीय प्राकलन समिति संसद के किस सदन की समितियां होती है, तो मात्र लोकसभा के। प्राकलन समिति में किसके सदस्य होते हैं, ध्यान रखिएगा केवल लोकसभा के, और इसमें मंत्री नहीं होते, ठीक है।
जो डिस्क्रिप्शन हम नीचे बता चुके हैं कि 30 सदस्य होते हैं, राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है दोस्तों, और इसके एकल संक्रमणीय मत द्वारा चुना जाता है, और इसके अध्यक्ष का चुनाव सिर्फ लोकसभा के अध्यक्ष ही चुनेगा, और सत्तारूढ़ दल का होता है, इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। कौन सी एक सबसे बड़ी समितियाँ हैं, तो कौन सी एक समितियाँ सबसे बड़ी समितियाँ दोस्तों, तो देखिए एक सरकारी उपक्रम समिति, एक लोक लेखा समिति है, एक याचिका समिति है। तो कौन सदस्य होगा, प्राकलन समिति होगा, सबसे बड़ा समिति प्राकलन समिति होता है, इसमें 30 सदस्य भी हो सकता है, 45 सदस्य भी हो सकता है दोस्तों। ओके देखिए अगर 30 सदस्य होगा तो केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं, लोक लेखा समिति जो होता है इसमें 22 सदस्य होता है, सरकारी उपक्रम समिति में भी 22 समिति होता है, ठीक है। यह समिति संसद के माध्यम से सरकार द्वारा प्राप्त किए गए जो धन है उसके व्ययों का अनुमान की जांच पड़ताल करता है, उसके खर्च का क्या करता है, अनुमान की जांच पड़ताल करता है। जो प्राकलन समिति होता है धन का जो खर्च किया गया है, ठीक है, जो धन का व्यय हुआ है, ठीक है, एक्सपेंडिचर हुआ है, उसका क्या करता है, अनुमान लगाता है, अनुमान की जांच पड़ताल करता है कि आपने जो धन खर्च किया जो अनुमान लगाए थे वह सही निकला है कि नहीं निकला है, ये जांच करेगा प्राकलन समिति। यह अस्थाई मित वेतन समिति भी कराता है, आपको बता चुके इससे पहले दोस्तों, ये कार्य करती है और इसकी आलोचना या सुझाव सरकारी फिजूल खर्ची पर क्या करती है, रोक लगाती है, ठीक है, रोक लगाती है, ठीक है। चैनल पसंद आया तो लाइक करें दोस्तों, सब्सक्राइब करें, थैंक यू। सब्सक्राइब वगैरह करते रहिएगा। ओके प्राकलन समिति का क्या अर्थ है, अर्थव्यवस्था में संगठनात्मक एवं प्रशासनिक सुधारों के तरीकों का प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है और देश की आर्थिक स्थिति पर संसद में आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करता है। इसका आंसर दोनों होगा, ठीक है, बी और सी होगा। संसद में प्राकलनों के प्रस्तुत करने के प्रारूप के विषय पर सिफारिश करता है, ठीक है। देखिए देश की आर्थिक स्थिति जो है अभी मतलब जो देश में आर्थिक स्थिति होता है वो संसद में आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करता है। इसका उद्देश्य क्या होता है, आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करना होता है, आर्थिक सर्वेक्षण यानी सर्वेक्षण प्रस्तुत करता है। प्राकलन समिति क्या करता है, आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करता है, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा संसद के प्राकलनों के यानी एस्टिमेट जो निकाला है वो प्रस्तुत करने के प्रारूप के विषय पर सिफारिश करता है, जो विषय है, ठीक है, जो एस्टिमेट निकाला है वो प्रारूप के विषय पर सिफारिश करता है। विषय पर क्या करता है, सिफारिश करता है, कौन सा विषय पर, प्रारूप पर, कि कौन सा होना चाहिए प्रारूप, ठीक है, कैसा प्रस्तुत करना है, प्रारूप पर प्रस्तुत करने है उस पर विषय पर सिफारिश करता है। ओके नेक्स्ट है आपका प्राकलन समिति के सदस्य, प्राकलन समिति के सदस्य क्या होते हैं, केवल लोकसभा के सदस्य ही चुने जाते हैं, ठीक है, केवल लोकसभा के सदस्य ही चुने जाते हैं। इसमें बता चुके हैं दोस्तों कि 30 सदस्य होते हैं, इसमें राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है, सदस्यों में से एकल संक्रमणीय मत के द्वारा होता है, इसके अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के अध्यक्ष ही चुनेंगे, और सत्तारूढ़ दल का होता है अध्यक्ष, इसका कार्यकाल 1 साल का होता है। चैनल पसंद आए तो लाइक करें दोस्तों, सब्सक्राइब करें, थैंक यू।